हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्ष धवन और स्वागत करता हूं आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के नंबर वन चैनल करियर गुरु एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल पे। दोस्तों, हमने एक सीरीज शुरू कर रखी है लर्न इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सीखना चाहते हैं, इन सीरीज को जरूर देखिए और इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीखिए और शुरू करिए। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या है दोस्तों, जो एक्सपोर्टर है उसकी एक शिकायत रहती है, या बिगनर बहुत से आते हैं, स्टूडेंट के क्वेश्चन भी आते हैं। काफ़ी स्टूडेंट ये सवाल पूछते हैं कि सर, अगर बायर फ्रॉड करे या फिर हमें पता कैसे चलेगा कि ये फ्रॉड करेगा नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी है? हम तो फंस सकते हैं, हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट मेहनत की कमाई से काम शुरू करें, अगले ने हमारे साथ फ्रॉड कर दिया तो हम कहाँ जाएंगे, क्या होगा हमारा? दोस्तों, मेरा एक सवाल है, फ्रॉड में फंसना क्यों है? हम फंसते इसीलिए हैं जब हमें नॉलेज नहीं होती। तो यार, नॉलेज ले लो ना, सीख लो ना। इस नॉलेज के लिए ही हमने ये अपना चैनल शुरू किया है, ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल सके, आप भी एक्सपोर्टर बन सके और आप भी इंपोर्टर बन सके। अब बात करते हैं कि अगर आपको ये जानना है कि बायर जेन्युइन है या फ्रॉड है, तो वो कैसे पता लगेगा? अब कौन कौन से रास्ते हैं। सबसे पहले एक रास्ता बताता हूं, जो कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है डन्स एंड ब्रैडस्ट्रीट। वेबसाइट है www.dnb.co.in। तो ये वेबसाइट है, बट भैया पैसे लगेंगे, फ्री में कुछ नहीं है। पहली चीज आपको ये बता दूं, आप जाएंगे वेबसाइट पे, देखो यार कोई फ्री में ऑफिस खोल के तो बैठा नहीं है जो आपको सर्विस देगा। सच वाली बात करते हैं यार, जेन्युइन बात करते हैं। आप जाइए, बायर की डिटेल्स, बायर से आपकी बात हो रही है, अभी डील नहीं हुई, अभी आपसे बात हुई है, बायर ने बोला मैं इस देश का हूं, मेरी ये फर्म है, उसने अपनी डिटेल भेजी, मैं काम करना चाहता हूं, आपने भी इंटरेस्ट शो किया, उसने भी इंटरेस्ट शो किया। अब आप चलेगा कि भैया बताना ये बायर का एड्रेस है, ये इस कंट्री का है, क्या ये जेन्युइन है या नहीं है, हो सकता है इसने कभी काम नहीं किया हो। सोचिए, अब अगर उसने काम किया होगा तो उसके बारे में पता लग जाएगा, और उसने काम नहीं किया होगा तो काम पता नहीं लगेगा। तो दोस्तों, यानी यहां से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके बाद है गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन ECGC, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, जो आपको यह भी बताएंगी बायर जेन्युइन है या नहीं है, और इंश्योरेंस भी देंगी कि यानी अगर आप माल भेज रहे हैं तो उसका इंश्योरेंस भी करा के देती हैं। तो सोचिए, यहां से भी आपको पता लग जाएगा। अब बात करते हैं पेमेंट टर्म की। ये तो थी दो ऑर्गेनाइजेशन जो आपको ये बताएंगी जेन्युइन है या नहीं है, लेकिन इससे पहले आपको कैसे पता लगेगा? अगर आप बायर को बोलेंगे कि मैं LC में काम करना चाहता हूं, मेरी पेमेंट टर्म LC ही रहेगी, बायर हमेशा आपको लालच देगा कोई लूज टर्म का, कोई ऐसी टर्म का जिसमें आप फंसे, कैप्चर हो। आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा कौन सी पेमेंट टर्म सेफ है और कौन सी पेमेंट टर्म अनसेफ है। तो बायर आपको लालच देगा अनसेफ पेमेंट टर्म में काम करने का, जो कि हमें नहीं करना। हमेशा आप बायर को LC के बोलेंगे, LC में ही डील करूंगा, लेटर ऑफ क्रेडिट में डील करूंगा, और जेन्युइन LC अभी मैं आपको बताऊंगा अच्छी LC कौन सी होती है जिसमें आप भी सेफ है, बायर भी सेफ है। यानी अगर आप इंपोर्टर है तो आप भी सेफ रहेंगे, एक्सपोर्टर है तो आप सेफ रहेंगे। भाई अगर जेन्युइन बात करूंगा तो सीधी सी बात है, बायर मना ही करेगा, तो यहां से आपको पता लग सकता है। अब बायर कौन से देश का है, उसकी एम्बेसी में मेल कर सकते हैं। हर देश में हमारी भी एम्बेसी होती है, इंडियन एम्बेसी में होती है, तो यानी मेल करके बायर का डेटा निकाल सकते हैं। उसके देश के एम्बेसी में मेल करिए, जैसे इंडिया में है, सपोज कीजिए अर्जेंटीना का बायर अर्जेंटीना के एम्बेसी में मेल करिए, उसकी डिटेल्स निकाल सकते हैं, उसकी कंपनी की पूरी डिटेल्स जब आपको मिल जाएगी तो पता लग जाएगा जेन्युइन है या फ्रॉड है। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे आपको जेन्युइनली पता लग जाएगा बायर जेन्युइन है या फ्रॉड है। और मैं तो आपको एक ही सलाह दूंगा कि इंश्योरेंस करा के, ECGC करा के माल भेजिए, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा फ्रॉड से कैसे बचना है। इस वीडियो में इतना ही। हमारा टेलीग्राम चैनल है करियर गुरु एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल का, नए नोटिफिकेशन के लिए आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछिए। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।